गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम बिफोर यू टुडे. वी शैल स्टडी ज्योग्राफी, एंड इन ज्योग्राफी वी वर स्टार्टिंग चैप्टर 6, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ इट मीन्स पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप. इस चैप्टर के हम लोग कुछ हिस्सा पढ़ लिए थे, जहां तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग जानेंगे. माउंटेन्स पढ़ रहे थे, माउंटेन्स के बारे में हम लोग काफी हद तक जाने थे. आज हम लोग जानेंगे माउंटेन्स कितने तरह के होते हैं. There are 3 types of mountain. Mountains. First, फोल्ड माउंटेन्स. सेकेंड, ब्लॉक माउंटेन्स. थर्ड, वोल्केनिक माउंटेन्स. ये 3 तरह के माउंटेन्स होते हैं. पहला फोल्ड माउंटेन्स, जिसको वलित पर्वत के नाम से जानते हैं. फोल्ड माउंटेन्स, वलित पर्वत. सेकेंड, ब्लॉक माउंटेन्स, इसको भरसोत पर्वत के नाम से जानते हैं. एंड थर्ड माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन, इसको हम लोग हिंदी में ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं. इस तरह से 3 तरह के माउंटेन्स हुए. हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं. हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत हैं. कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स हैं. हिमालय और आल्प्स फोल्ड माउंटेन्स हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है. तथा शिखर, पीक जो है, पीक पॉइंट जो है, क्या है? पीक पॉइंट जो है शंखाकार है. शंख के आकार क्या है? भारत को अरावली श्रृंखला
भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला हैं। अपरदन के कारण यह श्रृंखला घिस गई है उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, है ना। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है, है ना। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। अभी तक हम लोग जान रहे थे फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, अब हम लोग जानेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, यानी कि ग्रेवेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं, है ना। राइन वैली एंड द वास्जेस माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार का भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगा सकते हैं। एंड लास्ट माउंटेन इज वोल्केनिक माउंटेन मीन्स ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम लोग जानेंगे। अब
ज्वालामुखी पर्वत ज्वाला क्रियाओं के कारण बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। दिस माउंटेन these mountains are formed due to volcanic activity. volcanic activity. ज्वालामुखी पर्वत का बनता है ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है किस कारण से? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण, है ना? अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वत के वो एग्जांपल्स हैं। इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। विशेष हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आगे हम लोग दूसरे क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन। वी शैल नो मोर अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय।